तो हम आ चुके हैं हमारे WCC वर्ल्ड कप 2023 की सीरीज के एक और मजेदार मैच के साथ, और नीदरलैंड्स वर्सेस श्रीलंका का ये मैच है, और श्रीलंका की टीम चूज करके खेलेंगे हम आज के इस मैच में। चेन्नई के स्टेडियम में ये मैच हो रहा है। बहुत कम रन्स बनते हैं चेन्नई के स्टेडियम में, हमने कई बार देखा है ये होते हुए। और आज के मैच में नीदरलैंड्स की टीम जो है वो श्रीलंका की टीम से थोड़ी सी कमज़ोर है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो टॉस जीतकर हमने बॉलिंग का फैसला किया है। Let us all rise for the national anthem. तो हमारी टीम यहाँ पर आ चुकी है फील्डिंग करने के लिए या फिर बॉलिंग करने के लिए, और नीदरलैंड्स की टीम की तरफ से कौन दोनों आएंगे एज एस एडवर्ड्स और वी सिंह। अरे ये एस एडवर्ड्स की एक इनिंग्स हमें याद है, बहुत ही कमाल का ये खेले थे। और नीदरलैंड्स वर्सेस पाकिस्तान का वो मैच था, अगर आपने वो गेम प्ले वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, बिल्कुल जा कर के देख सकते हैं। पर आज के मैच में किसी ने भी कोई अच्छी इनिंग्स नहीं खेली है। हमारी टीम में काफ़ी सारे प्लेयर्स ने अच्छी बॉलिंग की, पथिराना ने 3 विकेट लिए और बाकी 2 और प्लेयर हैं जिन्होंने 2-2 विकेट लिए। पर फिलहाल काम जो है यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा है, बहुत ही छोटा सा काम यहाँ पर हमें मिला है। चेज अगर हम बात करें तो 187 रन हमें चेज करने हैं। असलंका और दसवन शन का लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला कॉम्बिनेशन हम लेकर के आए हैं। पहला ओवर डालने के लिए एक राइट आर्म फास्ट बॉलर आए हैं, काफ़ी अच्छे ये फास्ट बॉलर हैं। अब देखना ये होगा कि ये 187 रन हम कितने कम ओवर में चेज कर लेते हैं, क्योंकि अगर कम से कम ओवर में आप चेज कर लें तो वहाँ पर जो आपका नेट रन रेट है वो बढ़ता है। यहाँ पर पहली ही बॉल पर हमने चौके के साथ शुरुआत की है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सा टारगेट है। 300 बॉल में 187 रन हमें बनाने, मतलब लगभग हर 2 बॉल में 1 रन, कुछ उस टाइप का है। यहाँ पर सामने की तरफ ये शॉट खेला है, एक सिंगल लेकर के नॉन स्ट्राइकर एंड पर जाएंगे और दसुन शनका को स्ट्राइकर एंड पर लेकर के आएंगे। तो फील्डर जो है थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अच्छी फील्डिंग और साथ ही साथ बहुत सारे विकेट्स लेना ज़रूरी है अगर नीदरलैंड्स की टीम को इस मैच में जीतना है। तो वैसे ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि 186 रन पर आप ऑल आउट हो गए, और ऑल आउट भी कब, 4 ही ओवर पहले आप ऑल आउट हुए हैं और तब आपने 186 रन बनाए, मतलब इतने से तो काम नहीं चलेगा। और 187 रन हमारी टीम यानी कि श्रीलंका की टीम आसानी से बना देगी। यहाँ पर थोड़ा सा रूम बनाया श्रीलंका ने और लॉफ्टेड शॉट खेला है, टाइमिंग अच्छी नहीं है, पर ओहो हमें लगा था कि चौका मिल जाएगा, पर यहाँ पर तो सिर्फ एक सिंगल ही मिला। पर ये कहना होगा कि जितनी ज़्यादा वो शॉर्ट लेंथ की बॉल थी, रूम बनाया काफ़ी ज़्यादा और पीछे की तरफ खेला वहाँ पर, और बहुत ही अच्छा खेला। टाइमिंग जो है उतनी अच्छी नहीं थी वरना चौका मिल जाता, पर यहाँ पर ज़रूर चौका मिला है। दसुन शनका की तरफ से एक चौका लग चुका है। और एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, इसके थोड़ी देर पहले हमें ऐसा लगा था कि सिंगल लेकर के हमने दसुन शनका को दे दिया स्ट्राइक, पर शायद वहाँ पर डबल हो गया था और आसानी से हमने पूरा भी कर लिया, मतलब हमारा ध्यान भी नहीं गया। पर अच्छी ये बात है, जितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ हम अगर पूरा कर दें इस टारगेट को वो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि नेट रन रेट पर बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा और हमें वो सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर सामने की तरफ ये शॉट खेला हमने, एक सिंगल लेंगे और स्ट्राइकर एंड पर फिलहाल कुशल मेंडिस जो हैं वो आ चुके हैं। श्रीलंका पहले ओवर में काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, पर जा चुके हैं वो विकेट, जा चुका है उनका। और दसुन शनका, इनकी अगर हम बात करें तो 20 बॉल में 35 रन, एक अच्छी इनिंग्स अभी तक के खेल रहे हैं। यहाँ पर सामने की तरफ शॉट खेला हमने, एक डबल आसानी के साथ मिलेगा और कुशल मेंडिस जो हैं वो वापस से आ चुके हैं स्ट्राइकर एंड पर। रिक्वायर्ड रन रेट जैसा कि आप देख सकते हैं 2.89 का रिक्वायर्ड रन रेट है। यहाँ पर सामने की तरफ एक और हमने शॉट खेला है, सिंगल या डबल, डबल मिल सकता है, लेने की पूरी कोशिश करेंगे, डाइव की ज़रूरत नहीं है, पहुँच जाएंगे, बिल्कुल पहुँच गए, आसानी के साथ पहुँच गए।
इस ओवर में अभी तक के 5 रन आ चुके हैं। यहाँ पर यॉर्कर लेंथ की बॉल है और ऑन साइड की तरफ हमने खेला, पर अरे रे 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 बिल्कुल पहुँच गए हैं। थोड़ा सा स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाहिए था, वो काफ़ी ज़्यादा ऑन साइड की तरफ हमने खेल दिया। यहाँ पर पॉइंट के फील्डर के बगल से खेलने की कोशिश और ओहो चौका बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑफ साइड की तरफ जो फील्डर मौजूद था वो काफ़ी ज़्यादा पीछे खड़ा था, और पॉइंट के फील्डर के इतना फाइन जब हमने खेल दिया ना तब तो चौका मिलना बनता है। इस बार हमने खेला स्क्वायर लेग की तरफ और पीछे कोई फील्डर नहीं है, सारे फील्डर्स वहाँ पर सर्कल के अंदर है और उन्हीं फील्डर्स को हमने पार कराया और एक चौका बटोरा। इस ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर ग्लव्स को टाइट कर चुके हैं ये प्लेयर और कुशल मेंडिस स्ट्राइकर एंड पर है, वो 27 बॉल में 33 रन्स पर वो खेल रहे हैं। एक सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है और डबल की हमने कोशिश की है और बिल्कुल ले लेंगे, हमें लगा नहीं था कि यहाँ पर डबल हम ले लेंगे। और फिलहाल अगर हम बात करें तो कुशल मेंडिस और दसुन शनका जो है वो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, पर फिलहाल इन दोनों के बीच जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। यहाँ पर एक चौका लग चुका है और 39 रन्स, बहुत ही आसानी के साथ ये चेज़ होगा ये टारगेट। जैसा कि हमें शुरुआत में पता भी था कि 187 रन्स का टारगेट है, इस टारगेट को चेज़ करने में कोई खास मज़ा नहीं आने वाली है। और जाहिर सी बात है अगर आप इतना छोटा, यहाँ पर शायद ये नो बॉल है क्योंकि आवाज़ तो आई थी, और बिल्कुल हाँ नो बॉल और फ्री हिट मिली है हमें। अब फ्री हिट पर लॉफ्टेड शॉट तो खेलना बनता है भाई, यहाँ पर खेला जाए या ना, नहीं नहीं रहने देते हैं इस वजह से, क्योंकि अब एक तो इतना कम रन चाहिए हमारी टीम को जीत के लिए, उसमें भी हम लॉफ्टेड शॉट खेल करके ख़त्म करते जाएँ तो फिर बात क्या रहेगी। अब एक बात और है कि हाँ लॉफ्टेड शॉट खेल देते तो मैच जल्दी ही ख़त्म होता, बात सच है, पर वहाँ हमारा मूड बना नहीं। हमें ये लगा कि भाई ऑन साइड की तरफ या स्क्वायर लेग की तरफ एक बड़ा गैप मौजूद है, वहाँ पर चौका लगा देते हैं आसानी से, क्या मतलब है लॉफ्टेड शॉट अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फुल टॉस लेंथ की बॉल पॉइंट के फील्डर के बगल से खेलने की कोशिश करेंगे और खेला, पर फील्डर वहाँ पर मौजूद है, टाइमिंग अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से सिर्फ एक डबल ही मिल पाएगा और बिल्कुल डबल हमने ले लिया है। 76 रन्स पर है फिलहाल दसवन शान का। इस बार लॉफ्टेड शॉट और लॉफ्टेड शॉट ये बहुत खूबसूरत है, और इस शॉट के साथ एक चौका हमने लगा दिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस ओवर का एक लॉफ्टेड शॉट जो कि फ्री हिट पर आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, इस ओवर की आखिरी बॉल पर एक लॉफ्टेड शॉट आ गया है। यहाँ पर एक चौके की ज़रूरत है क्योंकि कुशल मेंडिस जो है वो 4 रन दूर हैं अपने अर्धशतक से, और क्या इस बॉल पर अर्धशतक पूरा होगा। फील्डर पीछे मौजूद है पर हमें लगा था कि थोड़ा दूर है फील्डर, चौका हो सकता है पर नहीं हो पाया, खैर कोई बात नहीं। 48 रन पर वो हैं और 2 रन दूर हैं, इस बॉल पर हम पूरी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और फाइन खेलने की कोशिश करेंगे पॉइंट के फील्डर से, और अरे यार ये तो काफ़ी ज़्यादा गैप में है, मतलब पॉइंट के फील्डर के बगल से खेलते तब चौके का चांस बनता, पर खैर कोई बात नहीं। जैसा कि हमने कहा बहुत ही छोटा सा टारगेट है, बहुत आसानी से इसको चेज़ करना है, कोई ज़रूरत नहीं है विकेट्स गंवाने की, कोई ज़रूरत नहीं है बिना मतलब के शॉट खेलने की, मतलब ऐसे लॉफ्टेड शॉट खेलना कि जिससे विकेट चला जाए। यहाँ पर एक डबल हमने लिया है और 82 रन्स पर आ चुके हैं दसवन शान का। यहाँ पर एक फुल लेंथ की बॉल कहाँ खेला जाए, इसको लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं, नहीं पीछे की तरफ ही खेला जाए, पहले हमने सोचा कि लॉफ्टेड शॉट पर, फिर हमने सोचा नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात की कि बिना मतलब वाले शॉट नहीं खेलना, तो क्यों बिना मतलब यहाँ पर शॉट खेला जाए। यहाँ पर 6 रन आ चुके हैं इस ओवर में, लॉफ्टेड शॉट इस बार पीछे की तरफ खेला है पर टाइमिंग अच्छी नहीं हो पाई, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर एक सिंगल मिला है और इस एक सिंगल के साथ कुशल मेंडिस के तरफ से अर्धशतक आ चुका है, नो बॉल है, फ्री हिट मिलेगी और कुशल मेंडिस जो है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर जा चुके हैं इस एक अर्धशतक के साथ, और फ्री हिट को खेलने के लिए
10 रन का मौजूद है स्ट्राइक रेट पर। शुरुआत में आए थे वो एज एन ओपनर और 36 बॉल्स में 83 रन। इसके पहले एक फ्री हिट हमने छोड़ दी थी, वहाँ पर लॉफ्टेड शॉट हमने नहीं खेला, पर हमें ये लगा कि भाई हर बार फ्री हिट मिले और हर बार छोड़ दें तो मज़ा नहीं है, तो यहाँ पर हमने उसका फ़ायदा उठाया है, पूरी तरीके से उठाया है। यॉर्कर लेंथ की बॉल ऑन साइड की तरफ खेला है, फील्डर के काफ़ी फाइन थी, चौका मिलना चाहिए और बिल्कुल मिला है। वैसे वहाँ पर डीप स्क्वायर लेग पर जो फील्डर था, अगर वो थोड़ी अच्छी फील्डिंग करता तो चौका रुक सकता था, पर अच्छी बात है नहीं रुका, हमारे लिए ही अच्छा ही। यहाँ पर फिलहाल जो बॉलर आए हैं काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, क्योंकि दो ओवर डाल दिए हैं उन्होंने, एक तरफ जहाँ सारे बॉलर्स को मार पड़ रही है, काफ़ी रन्स दे रहे हैं बाकी सारे बॉलर, वहाँ पर दो ओवर में इन्होंने 5 ही रन दिए हैं और एक विकेट जो गया है वो इन्होंने ही लिया है। पर कोई बात नहीं, इस ओवर को हम आपके ख़राब कर देंगे। पहली बॉल पर एक चौका लगा दिया हमने, यहाँ पर गैप में मारा है और इस गैप में मारने के साथ चौका निकाला है, और जैसा कि हमने कहा इतनी अच्छी इकॉनमी को थोड़ा सा ख़राब करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बाकी सारे बॉलर्स को हमने इतना मारा है, जब हम बॉलिंग करने आए तो कमाल की बॉलिंग की है हमारे श्रीलंका की टीम के प्लेयर्स ने, और यहाँ पर जब हम बैटिंग करने आए हैं तो उसमें भी कुछ कमाल होना चाहिए, कुछ चौके छक्के देखने को मिलने चाहिए। फिलहाल कुसल मेंडिस जो है वो 58 रन्स पर हैं, और पीछे की तरफ ये शॉट हमने खेल दिया है, एक सिंगल मिलेगा और वापस से स्ट्राइकर एंड पर 10 रन शनका आ चुके हैं, 9 रन दूर है वो अपने शतक से। क्या इस ओवर में शतक पूरा होगा? चांस तो वैसे कम ही लग रहा है, यहाँ पर चौका मिल सकता है और बिल्कुल मिला है। 95 रन्स पर पहुँच चुके हैं 10 रन शनका, सिर्फ और सिर्फ 5 रन दूर है वो अपने शतक से। यहाँ पर थोड़ी सी गुड लेंथ की बॉल है, पीछे की तरफ खेलेंगे और अरे यार ये बहुत गलत हुआ, हमें नॉर्मली पीछे की तरफ खेलना चाहिए था, हम ऑफ साइड की तरफ थोड़ा खेलना चाहते थे, पर ये फैसला हमारा सही नहीं रहा। अगर इनसाइड एज लगता और बॉल विकेटों पर लगती तो पूरी तरीके से विकेट वहाँ पर जाने की संभावना थी। फुल लेंथ की बॉल, यहाँ पर पीछे की तरफ शॉट खेला है, बहुत ही अच्छा एक घुटने पर आए और गैप ढूंढ निकाला, बॉल को कुछ इस तरीके से खेला कि बॉल को दिशा दिखाई गैप की तरफ, और यहाँ पर 41 बॉल्स में 100 रन्स, 13 चौके और 4 छक्के। ये बात तो सच है कि बॉलिंग जब हम करने आए तो बॉलिंग हमने कमाल की, पर जब हम बैटिंग करने आए तो बैटिंग में भी श्रीलंका की टीम ने कमाल ही किया है, क्योंकि 187 रन्स का अगर टारगेट हो और वो भी आप इतने कम ओवर में चेज कर लें, ये कमाल की बात है। यहाँ पर क्या इस बॉल पर चौका मिलेगा? लॉफ्टेड शॉट क्योंकि हम खेलने जा रहे हैं, और लॉफ्टेड शॉट हमने खेला है, टाइमिंग परफेक्ट है और चौका नहीं छक्का लगा है, और इस छक्के के साथ इस टारगेट को चेज कर लिया हमने। श्रीलंका की टीम 9 विकेट से इस मैच को जीत चुकी है और मैन ऑफ द मैच, एक विकेट लिया 10 रन शनका ने और 106 रन की ये इनिंग्स, तो मैन ऑफ द मैच उनके अलावा और कौन ही हो सकता है।